अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था विक्स का वो ऑप्शन जिसके अंदर हम अपने रिक्वायरमेंट्स विक्स के एआई को बताते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए वेबसाइट जो है डिज़ाइन करके दे देता है और हम फिर उसको मजीद कस्टमाइज या उसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड या डिलीट करनी होती है कर सकते हैं। बट राइट नाउ आज हम इस लेक्चर के अंदर वो ऑप्शन देखेंगे जिसके अंदर विक्स हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स दिखाएगा। उन टेम्पलेट्स को हम जो भी टेम्पलेट हमें हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पसंद आएगी वो चूज़ करेंगे और उसको फिर आगे जाके मैनुअली एडिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और दोबारा से प्रोसेस देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे हम क्रिएट न्यू वेबसाइट, ये हमारे पास ऑप्शन आया और यहाँ पे अभी हम जो है विक्स को बताएंगे हमें किस तरह का वेबसाइट चाहिए, हम किस तरह का वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगेन ऑनलाइन पोर्टफोलियो का ऑप्शन जो है वो बनाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम दे देता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसको क्या देता हूँ, ओके लाइव चैट भी अवेलेबल होनी चाहिए, जो भी आप ऐड करना चाहें वो यहाँ से ऐप्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बिगिन विद टेम्पलेट्स और यहाँ पे हमने गेट अ कस्टम बिल्ट वेबसाइट, अब हम क्या करते हैं बिगिन विद द टेम्पलेट, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें हमें डिफरेंट टेम्पलेट शो हो गई हैं, जो भी टेम्पलेट हमें पसंद आए उसको हम क्या करेंगे चूज़ करेंगे और काफ़ी सारी यहाँ पे जो है टेम्पलेट्स मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगरी ग्राइज किया इसको डिफरेंट, जैसे पर्सनल पे आया तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारी उसी तरह की जो है वेबसाइट सॉरी टेम्पलेट्स हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं राइट नाउ क्या करता हूँ इसको यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ ट्राइट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये टेम्पलेट आ गई। अब हम क्या करते हैं इस टेम्पलेट में जो बिल्ड प्री बिल्ड जो कलर्स हैं उनको मैं यहाँ से ऑलरेडी चेंज कर सकता हूँ और इसके अंदर जो टेक्स्ट हैं ये वाले जो फॉन्ट साइज है फॉन्ट है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, तो इसको मैं क्लिक करके और इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी इसको लोड करने में, ओके यहाँ पे हमारी जो टेम्पलेट है वो लोड हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने जो भी चेंजेस करने होंगे वो हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मुझे नंबर चेंज करना है अपना, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना नंबर जो है चेंज कर दूंगा, राइट कुछ इस तरह से। और इसका जो साइज है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, इसकी जो भी सेटिंग्स हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं स्पेसिफिक एलिमेंट की, तो यहाँ पे देखें उसकी वो सारी सेटिंग्स यहाँ पे आ गई हैं, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। राइट, उसके ऊपर इफेक्ट डालना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं कुछ इस तरह के इफेक्ट डालना चाहूँ तो ये मैं डाल सकता हूँ। ओके ये हो गया, इस तरह से इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें प्राउडली क्रिएटेड विद विक्स, इसको मैं एडिट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिज़ाइन बाय। ओके तो और यहाँ पे भी मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने वो चेंज कर दिया। और फिर अगेन यहाँ पे देखें हमारे पास हेलो बिट अबाउट मी पैराग्राफ, यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पे आप इमेज चेंज कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे इमेज चेंज कर सकते हो, अपने लैपटॉप से अपलोड कर सकते हो, ये ऑलरेडी जो आपने मीडिया के अंदर ऐड की हुई है वहाँ से इमेज चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये अपलोड का ऑप्शन आ गया, मैं यहाँ से इन सारी जगहों से इंपोर्ट कर सकता हूँ इमेज, लेकिन राइट नाउ मुझे अपने लैपटॉप से अपलोड करनी है तो मैं यहाँ से लैपटॉप सेलेक्ट करूँगा। लेट्स से ये लोगो लगाना चाह रहा हूँ मैं, तो मैंने उस लोगो को सिंपल यहाँ पे क्या किया अपलोड कर दिया, यहाँ पे वो अपलोड हो रहा है और उसके बाद चूज़ जो है पिक्चर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें उसकी जगह ये पिक्चर आ गया। अब मज़ीद इसको मैं ब्यूटीफाई करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे डिज़ाइन के टूल्स आ गए। यहाँ पे देखें मैं इसको फ्रेम करना चाह रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं इसके अंदर फ्रेम्स लगाना चाह रहा हूँ, नो फ्रेम, ये वाला फ्रेम,
ठीक है, लेट्स से ये वाला फ्रेम यहाँ पे देखें, ये एक फ्रेम जिस तरह से नज़र आता है। तो कस्टमाइज डिज़ाइन, मज़ीद इसके ऊपर मैं बॉर्डर्स लगा सकता हूँ इस तरह से। तो ये मुझे अभी पसंद आया तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से हमारा वो बन चुका है। इसी तरह से इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट की मज़ीद सेटिंग्स आ जाएंगी। टेक्स्ट के ऊपर लिंक चाहता हूँ तो मैं लिंक लगा सकता हूँ। फिर यहाँ पे देखें ये बटन है, इस बटन को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें जो है रिज्यूमे और प्रोजेक्ट्स के बटन है, इनके ऊपर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ पे देखें ये लिंक्ड है तो पेज करंट उसके ऊपर होना चाहिए, पेज के ऊपर होना चाहिए। रिज्यूमे वाला पेज मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो रिज्यूमे वाले पे चले जाए। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसको एडिट कर लिया। अब क्या करना है मुझे, सेकंड चीज़ अब मुझे ये वाला पेज एडिट करना है, रिज्यूमे वाला। ये तो मेरा हो गया, इसको मैं कर लेता हूँ सेव यहाँ से। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ओके, अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे, क्या कहते हैं इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ जो हमारे पास मेन्यूज़ थे, पेजेस एंड मेन्यूज़। ठीक है, और यहाँ पे देखें हमने इसको जैसे सिलेक्ट किया तो वो रिज्यूमे वाला पेज यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया एडिट करने के लिए। तो सिंपल यहाँ पे मैं जो कुछ भी एडिट करना चाहूँगा कर लूँगा। ठीक है, तो और सिमिलरली ये कॉन्टेक्टस का पेज है तो मैं सिंपल यहाँ पे आऊँगा और कॉन्टेक्टस के अंदर सिंपल यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ से ये फॉर्म है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें इसकी सेटिंग्स आ चुकी हैं ऊपर ही मेरे पास। तो इस तरह से जो टेम्पलेट्स हैं वो विक्स आपको देता है और आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी उनका डाटा हो वो आप उस स्पेसिफिक टेम्पलेट के अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।